हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी होली अष्टमी। आज मैं आपके लिए एक DIY लेकर आई हूँ जो बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देगा आपके घर को और मेरे घर को भी। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये देखिए मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड लिया है, इसके मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। इसकी लंबाई मैंने दोनों साइड से बराबर रखी है। मैंने 5 इंच लिया है, 5 इंची चौड़ाई है, 5 इंची इसकी लंबाई है। मैंने इसको कार्डबोर्ड को डबल पेस्ट किया है, आप चाहें तो इसको सिंगल भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने फेविकॉल और पानी दोनों का मिक्स का करके घोल बनाया है मैंने इसका। इससे मैं जो कार्डबोर्ड है हमारा उसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर पेस्ट करूँगी, ये देखिए ऐसे करके, जिससे कि हमारा कार्डबोर्ड दिखाई ना दे। टिश्यू पेपर लगाने के बाद पता नहीं चलेगा हमारा कि हमने कार्डबोर्ड से बनाया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से लगाना है इसको, टिश्यू पेपर बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देखिए हल्के हाथों से लगाना है, बिल्कुल ब्रश की हेल्प से कार्डबोर्ड के हम चारों तरफ इसको पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा कार्डबोर्ड दिखाई नहीं देगा, जो इसकी लाइन है बिल्कुल सही आएगी। ये देखिए ऐसे लगाना है बिल्कुल। एक साइड मैंने देखिए लगा दिया है, अभी मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। आप चाहे तो पहले फेविकोल पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद टिश्यू पेपर लगा सकते हैं, या फिर पहले पेपर लगा दीजिए उसके बाद आप फेविकोल और जो पानी का घोल बनाया है हमने उसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ये भी, अगर इस पे थोड़ा सा भी ज़्यादा लग जाता है तो टिश्यू पेपर टूटने लगता है। दोनों साइड से हमें फेविकॉल पेस्ट करना है। ये देखिए अच्छे से लगाना है हमें इसको। आप चाहे तो इसको टिश्यू को डबल करके भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं मैंने डबल भी लगाया है और कहीं कहीं मैंने सिंगल लगा दिया है। ये देखिए टिश्यू पेपर अच्छे से चिपकना चाहिए कार्डबोर्ड के ऊपर। ये देखिए तीसरी तरफ, तीसरी साइड भी मैं लगा रही हूँ इसको। बहुत ही सुंदर DIY बनकर तैयार हुआ है मेरा, आगे देखिएगा आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो, आपको पता नहीं कैसा लगेगा। ये देखिए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें, 2 घंटे में पूरा हो जाता है। टिश्यू पेपर लगने के बाद हम इसको धूप में रख देंगे सूखने के लिए थोड़ा सा, जब तक टिश्यू पेपर नहीं सूखेगा जब तक हम इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने तो इसको धूप में रख दिया था सूखने के लिए, तो 1 घंटे में ही ये सूख गया था। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। ये देखिए ऐसे करके अच्छे से पेस्ट करना है हमें टिश्यू पेपर को, ताकि हमें पेंट करने के टाइम परेशानी ना हो। ये देखिए अगर कहीं से थोड़ा रह भी गया है तो आप उसको दूसरी बार फेविकोल लगा के पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए पेस्ट हो चुका है, और भी मैंने इसको 2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था धूप में, और अभी मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी। मैं इसमें एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल पेंट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर लगता है रेड, मैंने 2 रेड बनाया है, 2 येलो और 2 ग्रीन। ये देखिए बिल्कुल भी हमारा टिश्यू पेपर दिखाई नहीं देना चाहिए। ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं सारे पीस, ये देखिए ये रेड ग्रीन और येलो तीनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं। 3 मैंने दूसरे बनाए हैं वो भी तैयार हो चुके हैं मेरे। अभी मैं इनके ऊपर लगाऊंगी लेस, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं। ये देखिए मैं तो ये लेकर आई हूँ, मेरे पास थी नहीं लेस, है तो लेकिन वो इसके लिए नहीं थी, मैं सोच रही थी थोड़ा सा बहुत ही सुंदर कलर आए। ये देखिए और इसके लिए आप चाहे तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं या फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये ट्यूब पड़ी थी फेविबॉन्ड की, तो मैं वही लगा दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है। और अभी मैंने लिए ये छोटे वाले कांच, इसी से मैं
इसके ऊपर शुभ लाभ और जो साथिया होता है वो बनाऊंगी। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए पहले, उसके बाद आप हम इसके ऊपर कांच पेस्ट करेंगे। फेविकोल लगा के भी कर सकते हो आप, या फिर फेविबॉन्ड हो उससे भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद फिर मैं कांच पेस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर। मैंने छोटा वाला कांच लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, और इसमें भी आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने तो रेड, येलो और ग्रीन किया है, जो आपको कलर पसंद है आप वो लगा सकते हैं इसमें। लेस भी अपनी पसंद की लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे। ये देखिए मैंने थोड़े छोटे साइज़ के कांच लिए हैं, आप चाहे तो थोड़ा बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं कांच का। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं इसको पेस्ट करती जा रही हूँ। बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है सच में फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब मैंने इसको वॉल के ऊपर हैंग किया तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने मार्केट में पूछा था, 200 का बताया था, तो मैं नहीं लेकर आई, मैंने सोचा घर में ही ट्राई करती हूँ बनाने की, तो मैंने घर में ही ट्राई कर लिया, और जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं ये शुभ लिख रही हूँ सबसे पहले, ये देखिए शुभ हमारा पूरा हो चुका है लग के। अभी मैं लिख रही हूँ ओम, येलो के ऊपर मैंने शुभ लाभ लिखा है, और रेड के ऊपर मैंने ओम बनाया है, और ग्रीन के ऊपर मैंने साथिया बनाया है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं और उस कलर के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये भी मेरा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है ओम भी। ये तो हमने कांच से बनाया है, और जो हमारा कार्डबोर्ड है, जो रेड कलर हमारा बचा हुआ है, इसके ऊपर हम वाइट से, ग्रीन से, कोई भी कलर से आप थोड़ा सा डॉट डॉट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद भी मैंने किया है, ये देखिए हमारा ओम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और ये देखिए साथिया भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए लग रहा है ना बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं एक दो दिन में इसको हैंग करने वाली हूँ। अभी हम चलते हैं इसको जोड़ने की तरफ। ये देखिए मैंने इसमें ग्लू गन का यूज़ किया है, और मैंने कॉटन की रस्सी लिया है जूट की, आप चाहे तो रिबिन या फिर कॉटन की रस्सी या फिर कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो इसमें। ये देखिए इसमें तो हमें ग्लू ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको चिपकाना है मजबूती से। ये देखिए अच्छे से दबा दबा के इसको थोड़ा सा हम चिपका देंगे। देखो मैं तीनों पीस मेरे चिपक चुके हैं। अभी मैं इसको हैंग करने के लिए भी मैंने यही रस्सी ली है कॉटन की, छोटी सी कट किया है ये देखिए, और मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको भी मैं चिपका दूंगी। ये देखिए अच्छे से चिपकाना है हमें इसको, ताकि टूट नहीं जाए। ये देखिए हैंग करने के लिए हमने चिपका दिया है। नीचे मैंने लिया है छोटा सा बेल, और पॉम पॉम लिया है ऊन का, जो मैंने आपके साथ भी वीडियो शेयर किया है, उसी में से बचे हुए थे तो मैंने वो ही लगा दिए, और मोती ले लिए नीचे, तो मैंने दो लटकन लगा दी नीचे इसके। और ये देखिए हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को तो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको घर में बनाने की, एकदम आपके घर में ट्रेडिशनल लुक देगा बिल्कुल एकदम। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए ये मैंने बेल लगाई है नीचे दो। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और
वेस्ट कार्डबोर्ड तो सभी के घर में रहते ही हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हैप्पी अष्टमी आपको, जय माता दी।